दोस्तों, देखो सीखो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिव्यू वीडियो, जो कि रिव्यू वीडियो है एक जेनेरिक मिनी लापेल माइक्रोफोन का। इस माइक्रोफोन का नेम है जेनेरिक E57000455 मिनी लापेल माइक्रोफोन, जिसे मैंने अमेजोन प्राइम से ख़रीदा है। इसका प्राइस है 300 रुपये और इस शिपिंग चार्ज के साथ मुझे ये 350 रुपये में मिला है। ये मिनी लापेल मॉडल का लाभियर माइक्रोफोन का सबसे लो कॉस्ट माइक्रोफोन है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए, इस पैकेट में मुझे मिला है ये माइक्रोफोन, जो है ये सॉफ्ट कवर के साथ कवर किया हुआ है, और इसके साथ मुझे मिला है बिल। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस के साथ ये 295, उसके प्राइस के साथ मिलके 345 रुपीज़ में मुझे ये माइक्रोफोन मिला है। ये मिनी लापेल माइक्रोफोन है। देखिए ये तो देखने में बहुत ही इलिगेंट लगता है। इसका बॉडी पूरा मेटल बॉडी है, ये जो क्लिप दिया हुआ है ये पूरा मेटल बॉडी क्लिप है, और इसका जो ये माइक्रोफोन है ये भी पूरा मेटल बॉडी है, और यहाँ पे ये एक साउंड फिल्टर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट नहीं जा पाएगा और ये बाहर के नॉइज़ को भी कम रिसीव करेगा। ये देखने में तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। देखिए यहाँ पे इसका जो जैक है ये 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक है। अब पता नहीं ये गोल्ड से प्लेटेड है या भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल के लिए स्पेशली बना हुआ है, और इसका जो ये वायर है ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए अब हम इसी माइक्रोफोन लगा के इसका साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं, इसमें साउंड कैसे आता है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसी भी लाभेल माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। आप इस साउंड क्वालिटी में डिफरेंस खुद ही महसूस कर पाते होंगे। इस माइक्रोफोन में बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड आता है, और जो कि नॉइज फ्री साउंड है, आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे कि प्रीवियस साउंड जो था और ये माइक्रोफोन लगाने के बाद साउंड में बहुत ही डिफरेंस आ गया है। इस माइक्रोफोन का साउंड क्वालिटी टेस्ट ही कर लिया है, उससे आपको पता हो गया होगा कि इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ साउंड बहुत ही क्लियर है और नॉइज फ्री है। लेकिन इस माइक्रोफोन का डीमेरिट यह है कि इसका जो ये कॉर्ड है ये सिर्फ 5 फीट है, इसलिए अगर आप कोई क्लासरूम टीचिंग करके उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इसका कॉर्ड थोड़ा छोटा है। लेकिन इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, जो कि आप इसमें एक मेल फीमेल एक्सटेंशन कॉर्ड अटैच कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो माइक्रोफोन है ये तो देखने में बहुत ही एलिगेंट है और लो कॉस्ट माइक्रोफोन है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं, यूट्यूब बिगिनर हैं, और अपना यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, और ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट के बिना लो इन्वेस्टमेंट में अच्छी साउंड क्वालिटी का उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ये माइक्रोफोन सबसे ज़्यादा सुइटेबल है। और दूसरी बात ये है कि ये हर कोई मोबाइल के साथ काम करता है, जैसे कि सैमसंग, एप्पल और मी जो ज़ियाओमी है उसके साथ भी ये काम करता है। और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो हाई कॉस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन के जैसा ही हाई क्वालिटी है, लेकिन इसका एक डीमेरिट है। इसका एक डीमेरिट है कि इसको अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे जिसमें विंडोज 10 पड़ा हुआ है या विंडोज 7 पड़ा हुआ है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेशली मोबाइल के लिए डिजाइन किया हुआ लैपेल माइक्रोफोन है। और ये लैपेल माइक्रोफोन मॉडल का सबसे लो कॉस्ट माइक्रोफोन है, लेकिन क्वालिटी में तो हाई कॉस्ट माइक्रोफोन को भी पीछे छोड़ जाता है। इसलिए अगर आप यूट्यूब बिगिनर हैं और अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस माइक्रोफोन को आप खरीद सकते हैं। ये आपके पैसे के हिसाब से बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड देगा। चलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसका कॉर्ड एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मेल फीमेल जैक ले सकते हैं, जो कि आपको ईवे में आसानी से मिल जाएगा। देखिए एक मेल फीमेल जैक है, इसका एक तरफ फीमेल पॉइंट लगा हुआ है और एक तरफ मेल पॉइंट लगा हुआ है, और इसका जो लेंथ है ये 8 मीटर के करीब है। ये 200 रुपये में मिलता है, तो आप इस माइक्रोफोन को इस फीमेल जैक में लगा सकते हैं, और ये जो इधर का जो आपका मेल जैक दिख रहे हैं इसे आप मोबाइल में लगा के हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका टीचिंग पर्पज़ भी फुलफिल कर देता है। तो ये था हमारा जेनेरिक जेनेरिक मिनी लेपल लाभियर माइक्रोफोन का रिव्यू। अगर मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आए
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इस माइक्रोफोन के बारे में अगर कुछ भी जानकारी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।